दोस्तों एक बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज़ हुई है अभी ब्राज़ील में। असूस ने अपना दो फोन्स लॉन्च किए हैं, असूस ज़ेनफोन मैक्स 2 प्लस और मैक्स शॉट। तो ये दो फोन्स के अंदर एक नई चीज़ है जो है क्वालकॉम का SIP-1। आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य और आज बात करेंगे कि SIP क्या होता है। SIP दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने SoC यानी सिस्टम ऑन अ चिप की बात की है। SIP बेसिकली उसी के आगे का एक स्टेप है, सिस्टम इन अ पैकेज होता है ये। बेसिकली इसमें और ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स, जैसे SoC के अंदर जितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं उससे ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स को SIP के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाता है। एक सिंगल पैकेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती है, जैसे आपका स्टोरेज, रैम वगैरह सब कुछ मूव कर दिया जाता है एक सिंगल पैकेज के अंदर, ताकि आपके जो भी इक्विपमेंट आप जिसमें SIP लगाने जा रहे हैं उसमें और ज़्यादा जगह बच जाए बाकी वाइटल इक्विपमेंट लगाने के लिए। अब स्मार्टफोन के केस में अगर SIP यूज़ किया जाता है तो आप क्या देख सकते हैं कि इसमें SIP लगाने के बाद आपके बोर्ड में स्पेस ज़्यादा बच जाएगा, मतलब जो आपके स्मार्टफोन के अंदर जो जगह है वहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्पेस में, या फिर क्या कैसे इस स्पेस को यूटिलाइज करना चाहते हैं, फोन और पतले कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे। तो बेसिकली SIP ऐसा होता है कि जैसे फ्लैट्स होते हैं, आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखी है, वहां पे कई सारे फ्लोर्स होते हैं और हर एक फ्लोर में कई सारे घर होते हैं और हर एक घर के अंदर कई सारे कमरे होते हैं। तो अगर कमरे आपके प्रोसेसर्स हैं और ये घर आपके जो अलग अलग फ्लोर के अंदर कई सारे घर हैं वो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है, जैसे एक घर है स्टोरेज, एक घर है रैम, एक घर है कुछ और ऐसे ही कॉम्पोनेंट्स जो अंदर लगते हैं ऑडियो कोडेक वगैरह, और एक घर है आपका SoC। तो ये वर्टिकल स्टैक में जब इंटीग्रेट कर देंगे इन सारे घरों को, इन सारे फ्लोर को मिला देंगे, तो वो हो गया आपका एक फ्लैट और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और वैसे ही होता है कुछ कुछ SIP में, वर्टिकली स्टैक करके वर्टिकली इंटीग्रेट कर दिया जाता है सारे कंपोनेंट्स को और फिर वो एक पैकेज के अंदर, एक डाई के अंदर आ जाते हैं। तो SoC से ज्यादा कॉम्पोनेंट SIP के अंदर आ जाते हैं और SIP से बेसिकली स्पेस सेविंग होती है। और क्योंकि हमारे स्मार्टफोन्स में स्पेस का बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट होता है, बहुत लिमिटेड स्पेस होता है अंदर, उसे यूटिलाइज करना होता है बहुत कायदे से, तो SIP के आने के बाद से आपको ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा आपको ज्यादा बेहतर चीजें ऑफर करने के लिए। अब वो डिवाइसेस को या तो स्लिम कर सकते हैं या फिर बैटरी कैपेसिटी वगैरह या फिर कुछ अंदर स्पेस का यूटिलाइजेशन जैसा भी करना चाहे वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दो पर्टिकुलर फोन्स की। तो अभी जो इंप्लीमेंटेशन है क्वालकॉम जो रिलीज करता है अपने जो SoCs रिलीज करता है वो बेसिकली पांच टीयर्स में डिवाइडेड है, 2 सीरीज, 4 सीरीज, 6 सीरीज, 7 सीरीज और 8 सीरीज। 8 सीरीज सबसे तेज प्रोसेसर, सबसे तेज SoC, सबसे बेहतर SoC और 2 सबसे बेसिक SoC। तो अभी जो SIP आया है वो स्नैपड्रैगन की 4 सीरीज पे बेस्ड SIP है, उसमें स्नैपड्रैगन 4 सीरीज के इक्विवेलेंट SoC को इंप्लीमेंट किया गया है। और ये जो फोन्स के प्राइस हैं वो 24,000 से 30,000 के बीच में है, 3 GB वेरिएंट का 24,000 और 4 GB वेरिएंट का जो बड़ा वाला वेरिएंट है उसका है 30,000 के आसपास। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 10,000-12,000 में आपको स्नैपड्रैगन 6 सीरीज के प्रोसेसर 660 वगैरह मिल जाते हैं फोन्स में कॉन्फ़िगरेशन में, और ये 25,000 में 4 सीरीज का प्रोसेसर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, 4 सीरीज के SoC बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिकली मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अगर सेम प्राइस पे इंडिया में लॉन्च होता है, क्योंकि अभी ब्राज़ील में लॉन्च हुआ है। अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो ये इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है, मतलब इतना ज़्यादा सेंसिबल नहीं लगता है। पर टेक्नोलॉजी वाइज जो SoC से SIP पे आए हैं उस हिसाब से ये थोड़ा बेहतर है, एक स्टेप आगे है, ये बताता है कि फ्यूचर कैसा होने वाला है। और दूसरी चीज़, अब SIP इम्प्लीमेंटेशन के जो फायदे हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फायदा ये होगा कि क्योंकि हर एक कॉम्पोनेंट बहुत ज़्यादा करीब है तो लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी, जो टाइम लगता है आपस में बात करने में एक दूसरे से कॉम्पोनेंट्स को वो कम हो जाएगा, तो ओवरऑल स्पीड जो है वो सिस्टम की तेज़ हो जाएगी थोड़ी, और जो बैटरी कंजम्पशन होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रॉन्स को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है और कम लॉसेज होंगे, तो इस वजह से बैटरी कैपेसिटी कम हो जाएगी। एक चैलेंज जो मुझे लग रहा है कि अगर कंपोनेंट्स को आप इतना करीब करीब लगा देंगे तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपने सुना हो तो अभी जो फोन्स आए थे उनमें लिक्विड कूलिंग इंप्लीमेंट किया गया था, स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ के जो प्रोसेसर थे उनसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लेने के लिए लिक्विड कूलिंग इंप्लीमेंट किया गया था कई सारे फोन्स में, जैसे नोट 9 में लिक्विड कूलिंग इंप्लीमेंट किया गया है, ज़्यादातर फोन्स में लिक्विड कूलिंग इंप्लीमेंट कर दिया गया था। असूस का ROG फ़ोन ले लीजिए या फिर अपना ये रेजर फ़ोन 2, उसमें भी लिक्विड
बिल्कुल इंप्लीमेंट किया गया था क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। अब मुझे लगता है कि जो SIP 1 क्वालकॉम ने अभी इनिशियली रिलीज किया है वो 4 पे इसीलिए 4 सीरीज के स्नैपड्रैगन 4 सीरीज के SoC पे बेस्ड इसीलिए है क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और उसे मैनेज करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, इसलिए उन्होंने 4 से शुरू किया है और फ्यूचर में 8 सीरीज के इक्विवेलेंट SoCs को भी इस तरह के SIP पैकेजेस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये फ्यूचर काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, SIPs अगर आने वाले हैं फोन्स में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं फ़ोन के अंदर, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं, वो उनका इंप्लीमेंटेशन बेहतर हो सकता है, आपको बैटरी कैपेसिटी बेहतर मिल सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है यार। ये डिपेंड करता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो किस तरह से इंप्लीमेंट करता है इस चीज को। तो मैं काफी एक्साइटेड हूं SIP के बारे में। आप बताएं मुझे कमेंट्स में कि आप एक्साइटेड हैं या नहीं है। लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया, शेयर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके साथ टेक्नोलॉजी से भरा एक डिस्कशन करने आता हूं। और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।